गूगल की तरफ से विंटर इंटर्नशिप एप्लीकेशन ओपन कर दी गई है, जहां पे 1.5 लाख रुपीस पर मंथ आप लोगों को स्टीपेंड ऑफर किया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस इंटर्नशिप के लिए आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो, एलिजिबल कौन कौन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितने राउंड्स होते हैं, राउंड वन में क्या होता है, राउंड टू में क्या होता है, और आप लोग फ्री में प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो इस इंटर्नशिप के लिए जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टीपेंड कितना ऑफर किया जाता है, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी 3 दिन पहले एक और वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी गूगल की स्टूडेंट रिसर्च इंटर्नशिप, वो भी अभी ओपन है। अगर आप गूगल की स्टूडेंट रिसर्च इंटर्नशिप को करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अगर आप अभी कॉलेज में सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, बैचलर मास्टर पीएचडी डिग्री कर रहे हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले हैं गूगल की डाटा सेंटर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप विंटर 2024 के बारे में, जो कि मुंबई में जो गूगल का ऑफिस है उसके लिए लॉन्च की गई है। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। उससे पहले एक और अपडेट है आप लोगों के लिए। देखो, सबको पता है न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर पे बहुत सारे लिमिटेड टाइम ऑफर भी आप लोगों के लिए लॉन्च हो रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए स्पेशली। अगर आप लोग गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और गेट 2024 भी देने वाले हो या 25-26 टारगेट कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे गेट 2024 रैंकर टेस्ट सीरीज बाय पीडब्ल्यू गेट वाला की तरफ से आप लोगों के लिए लॉन्च हो जाए, जहां पे 95 प्लस टेस्ट अवेलेबल है। ओनली 500 रुपए में आप लोग इसका एक्सेस ले सकते हो। इसके अलावा पराक्रम गेट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड डीए से रिलेटेड ये बैच होने वाला है। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपको इस बैच को जरूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा पराक्रम गेट 2025 बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि सभी ब्रांचेस के लिए है ये बैच। इसके अलावा यहाँ पे पराक्रम एक और बैच है, जो कि ESC गेट और PSU तीनों चीजों की आप लोग के प्रिपरेशन करा रहा है। इसके अलावा श्रेष्ठ बैच भी है, जिसमें आपको ESC गेट PSU बैच के लिए प्रिपरेशन करा रहा है, अगर आप 2026 गेट को टारगेट कर रहे हैं तो। इसी तरीके का एक और बैच है जिसमें आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। ये कुछ लिमिटेड टाइम बैचेस आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको लिमिटेड ऑफर में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, और आप लोग कूपन कोड में अगर TM500 ये कूपन कोड डालते हो तो एक्स्ट्रा 500 का भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है। ये भी लिमिटेड टाइम ऑफर है आप लोगों के लिए। 2025 और 26 बैचेस में आप लोगों को गेट खजाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है ₹1,999, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्लस आपको DPP सॉल्यूशंस भी बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप लोग PW की जो प्रीवियस ईयर बुक क्वेश्चन बुक्स पेपर हैं वो आप लोग परचेज कर सकते हो, जिससे आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो प्रीवियस पास्ट ईयर क्वेश्चन से। बाकी जितने भी मैंने आप लोग को बैचेस बताए, इनमें इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आप लोग को पढ़ा रही होगी, लाइव लेक्चर्स आप लोग को मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, MCQs का एक्सेस मिलेगा, सारे डाउट्स आप लोगों के सॉल्व किए जाएंगे, और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से आप लोग गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कैसे आप लोग गूगल की डाटा सेंटर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद आप लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो यह मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस इंटर्नशिप की नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग को लास्ट डेट बता दूं, 5 जनवरी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा इस इंटर्नशिप के लिए। ये जो इंटर्नशिप है विंटर इंटर्नशिप है, जो कि फरवरी 2024 में आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो इंटर्नशिप होती है वो एक फुल टाइम इंटर्नशिप होती है, जो कि अराउंड 24 वीक्स तक चलती है। इस इंटर्नशिप की बात करें तो कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप लोग अभी फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट हो, बैचलर डिग्री कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो या ड्यूअल डिग्री कर रहे हो कंप्यूटर साइंस या फिर रिलेटेड फील्ड में, और 2024 में पास आउट भी होने वाले हो, कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो 2024 में पास आउट होगे, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस इंटर्नशिप के लिए। पर्टिकुलरली आप लोगों का अगर नेटवर्किंग या फिर लाइनक्स सिस्टम में कोई एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप किया, कोई ऑनलाइन कोर्स किया, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलने वाली है, और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यही बेसिक एलिजिबिलिटी है इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने की। अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो गूगल की इस वाली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, गूगल स्टूडेंट रिसर्च इंटर्नशिप। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो ये वाली इंटर्नशिप वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकती है। इस इंटर्नशिप के लिए देखो, आप लोगों को एक रेज्यूमे जरूर चाहिएगा एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए, और रेज्यूमे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें सिलेक्शन कराने में, जो कि आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। इसमें अप्लाई करने के लिए जस्ट अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको कुछ बेसिक से डिटेल डालनी है, अपनी प्रेफरेंस लोकेशन मुंबई सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है,
कुछ वॉलेंटरली सेल्फ आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको अपना जेंडर बताना होता है, यहाँ पे आपको अपनी एथेनिक ग्रुप बताना होता है, एशियन कर देते हैं और कुछ बेसिक से क्वेश्चन का आंसर करके नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको अपना एक रेज्यूमे ऐड करना होता है, आप लोग अपडेटेड रेज्यूमे ही ऐड करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका रेज्यूमे नहीं है और आपको सीखना है कि आप रेज्यूमे कैसे बेस्ट अपना बना सकते हो, तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है गूगल के ही एक गूगल अप्रेंटिसशिप से, हमने उनका रेज्यूमे पूरा रिव्यू किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख सकते हो व्हाई माय रेज्यूमे गॉट सेलेक्टेड इन गूगल। इनका फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट भी मैंने ऐड किया जिसको कॉपी करके आप भी इनके जैसा अपना रेज्यूमे बना सकते हो, तो ये वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अगर जो भी बच्चे रेज्यूमे बनाने की सोच रहे हैं। उसका नेक्स्ट पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, ये देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से सबमिट की जा चुकी है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन कैसे होता है इस इंटर्नशिप के लिए। तो देखो टोटल 3 राउंड होते हैं इस इंटर्नशिप के लिए, यहां पे आप लोगों का कोई भी ऑनलाइन एग्जाम या फिर ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता है। यहां पे पहला राउंड जो होता है वो आपका रिज्यूमे सिलेक्शन राउंड होता है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपका रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राउंड जो होता है वो रिज्यूमे के बेसिस पे ही आप लोगों का सिलेक्शन होता है, तो उसमें सिलेक्शन अगर आप लोगों का हो गया तो बाद में तो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, जो 2 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं आप लोगों के, जो कि 45 मिनट्स अराउंड के इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। उन इंटरव्यू राउंड्स के लिए आप लोग देखो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लो, नेटवर्किंग पढ़ लो, DBMS पढ़ लो, इसके अलावा आप लोग ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ लो और नेटवर्किंग से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड आप लोग सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लो। उन इंटरव्यू राउंड में इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप लोग कहोगे कि आप लोगों को किसी इंटर्न का रियल एक्सपीरियंस जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताना, उससे रिलेटेड भी हम कोई इंटरव्यू वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग सिलेक्शन किया जाता है, 3 टोटल राउंड होते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कोई रेज्यूमे राउंड नहीं, कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता है, रेज्यूमे के बेसिस पर आप लोगों का इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन होता है। अगर हम बात करें कि इस इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड कितना ऑफर किया जाता है, तो देखो गूगल की जो इंटर्नशिप्स होती हैं उनमें आप लोगों को 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपीज तक पर मंथ स्टाइपेंड ऑफर किया जाता है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग चीजें मेंशन है, ये चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती गूगल की तरफ से, इसलिए देख सकते हो मंथली स्टाइपेंड अप टू 1 लाख रुपीज तक कुछ वेबसाइट पर मेंशन है, कुछ वेबसाइट पर 1.5 लाख रुपीज तक मेंशन है। तो काफी अच्छा स्टाइपेंड आप लोगों को मार्केट के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से ऑफर किया जाता है, उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टाइपेंड काफी अच्छा होता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए, तो प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को एक फ्री कोर्स शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आपको 5 दिन में इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराया जाता है। देखो आपका रिज्यूमे में बेस्ट कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया, गूगल के एम्प्लॉई का ही वैसा रिज्यूमे बना सकते हो। अब बचे 2 इंटरव्यू राउंड आप लोग के लिए, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आप लोग को एक फ्री कोर्स मैं शेयर कर दूंगा, 5 डेज इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स है ये। 5 दिन में आप लोग को बता रहे हैं किस तरीके से टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, ऑन साइट इंटरव्यू किस तरीके से होते हैं, किस टाइप के बेसिक कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DSA से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो पर्टिकुलरली ये जो कोर्स है वो DSA वाले स्टूडेंट यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, बट आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस टाइप के आपको आंसर करने होते हैं। तो इस तरीके से इस फ्री कोर्स में आप इनरोल कर लो और आप लोग गूगल के इंटरव्यू के लिए इस तरीके से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा तरीका है प्रिपेयर करने का और गूगल में इंटर्नशिप लेने का, आज ही आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।